आपको चुपकी झोपड़ियों में रहने के लिए बाधित किया। और जब हमारी सरकार आई, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने धारावी का एक सुंदर मॉडल बनाया। अब अदानी अंबानी की बात करते हो, उनको कोसते हो, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हो, क्या वो विदेशी है? वो विदेशी व्यापारी है, वो अपने देश के व्यापारी है। अगर कुछ गलत है तो सामने आकर बोलो, सिर्फ टीवी पर अडानी अंबानी। अरे अंबानी के घर में तो आपका लड़का जाकर नाच रहा है, मुजरा कर रहा है, उस वक्त अंबानी आपको अच्छा लगता है? अदानी अगर पूरे विश्व में से धारावी को डेवलपमेंट करने के लिए निविदा मंगाई जाती है, टेंडर मंगाया जाता है, तो दूसरा कोई नहीं भरता, यह आदमी भरता है, तो उसके ऊपर आप आरोप करते हो। याद करो कांग्रेस के काल में 2014 के पहले कितने करोड़ों का अरबों का भ्रष्टाचार हुआ था। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, पिछले 10 साल में एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हो। यह मैं छाती ठोक के कहता हूं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ईमानदार पार्टी की सरकार है। और क्या बात करता है राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 40 से 99 हुए, 100 भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो भी जीत की खुशी आप मना रहे हो। आपने अगर संसद का अधिवेशन देखा होगा तो हमारे 240 खासदार और एनडीए के मिलाकर 272 लोग चुपके से विरोधियों का भाषण सुनते हैं, वो झूठ बोलते हैं फिर भी सुनते हैं, शांति से सुनते हैं। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री उसको उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं, कोई मंत्रालय के मंत्री खड़े होते हैं, तो हल्ला गुल्ला मनाते हैं जैसे केजी के स्कूल चल रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। झूठ बोलोगे, वो भी डंके की चोट पर झूठ बोलोगे, भारत की जनता अब सजग हो गई है। पंकज जी आपने कहा खटाखट, ये झूठ। हमारे महिलाओं का उद्धव ठाकरे, महिलाओं का अपमान हमारे एकनाथराव शिंदे जी ने नहीं किया, महायुति के सरकार ने, हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं किया। आप जिनके चरणों में जाकर बैठे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, उस खटाखट झूठ के आश्वासन से हमारे समस्त भारतीय नारियों का अपमान करने का काम तुम लोगों ने किया है। गायब हो गए चुनाव आने के बाद, लेकिन दावे के साथ कहता हूं भाइयों और बहनों, ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार, ये ईमानदारों की सरकार है। राष्ट्र प्रथम, देश पहले, बाद में हमारी पार्टी और उसके बाद में हमारा नेता आता है, ये सोच रखकर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोग क्या करते हो, पहले हमारा परिवार, फिर पार्टी को चंदा से मालामाल, और फिर सरकार में आए तो भ्रष्टाचार। देश गया, असुरक्षित रहने दो, देश के गरीब मरने दो, किसान आत्महत्या करने दो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने दो, ये इनके कार्यकाल में होता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकालों में अगर सूरज देखना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य कैसा है, यह अगर किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो पिछले 2014 से लेके अब तक जो केंद्र में सरकार है, वो सही मायनों में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अभिप्रेत की सरकार है, वो सरकार आपकी और हमारी सरकार है। भाई और बहनों, ये विस्तारित कार्यकारिणी है, झूठ के पुल बांधे जाएंगे, और ये सिर्फ अपने देश के लोग ये प्रोपोगंडा नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदेशी ताकतें
अपने देश को नेस्तनाबूद करने के लिए देख रही हैं, देश के टुकड़े होने के लिए देख रही हैं, देश में अराजकता फैलना उनका वो सपना है, मकसद है। क्या हम भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेंगे? जोर से बोलिए, क्या हम इसका विरोध करेंगे? और ये झूठे लोगों को उनकी जगह दिखाएंगे? तो धारा में आने दीजिए किसी को भी, हम सच के पथ पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, राष्ट्र और भारत माता का जयकार करने वाले हम लोग हैं। हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, ये सोचने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके जो आने वाली पीढ़ी है, उनको आप सुरक्षित रखना देखना चाहते हैं कि नहीं? क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति हम लोगों को करना है? भीख मंगा पाकिस्तान तो हो गया, बांग्लादेश के बहुत से अच्छे काम वो सरकार कर रही थी, भारत के साथ अच्छे संबंध हो रहे थे, उनका आर्थिक प्रगति हो रही थी, लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में ये कौन सा आंदोलन था? क्या प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए? अरे शर्म आनी चाहिए थे, हम लोग टीवी पर देख रहे थे, वो बुजुर्ग महिला जिनको हमारे भारत ने शरण दी, उस बुजुर्ग महिला के अंतर वस्त्र, ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो उसका अंदर वस्त्र फैला कर बाहर आता है, मुस्कुराता है? ये ऐसी अराजकता अपने देश में भी चाहते हैं? सलमान खुर्शीद बोलता है कि बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसे भारत में भी होगा। अरे भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देशभक्त की पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक इस देश में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। भाइयों और बहनों, ये कार्यकारिणी अभिनंदन करती है हमारे प्रधानमंत्री को, ये कार्यकारिणी महाराष्ट्र के महायुति का अभिनंदन करती है, और धारावी में एक नया सवेरा लाने के लिए हम लोग सब कटिबद्ध हो जाए। ऐसे बहुत से विषय हैं, लेकिन सब विषय एक ही बार रखना ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पे बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग कार्यकर्ता है, नौजवान कार्यकर्ता है, मैं हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं से विनती करूंगा, इनके झूठ के बहकावे में आप बिल्कुल मत आना, ये किसी के नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता हथियानी है और अपने देश के जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार जगाना है और अपने देश में एक अलग देश बनाने की ये कोशिश में लगे हुए हैं। इनके गलत इरादे को आप पहचानो और भारतीय जनता पार्टी के साथ में और पसीना बहाने के लिए हम सब एक होकर काम करें। इतना ही मैं आज के इस विस्तारित कार्यकारिणी के लिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भाई और बहनों, बोलने जैसा बहुत कुछ है, मन में पीड़ा है, मुझे लगता है कि जैसी पीड़ा मेरे मन में है, मंच पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं के मन में है, वैसी पीड़ा आपके मन में भी होनी चाहिए। आपको भी लगना चाहिए कि हमारा धारावी का विकास होना ही चाहिए, और जिसके लिए जो जो संभव प्रयत्न है हम सब मिलकर करेंगे, और इनका जो झूठा नैरेटिव है उसको नेस्तनाबूद करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आज के इस विस्तारित कार्यकारिणी में आपने मुझे बुलाया और अच्छी तरह से आज ये आपने विस्तारित कार्यकारिणी की, लेकिन सभी वार्ड अध्यक्षों से मैं विनती करूंगा कि बूथ प्रमुखों की रचना, और जैसे नीरज जी ने कहा कि पांच लोग जो चुनाव लड़वाना जानते हैं, ऐसी उनकी यादी आप तुरंत अपने जिला कार्यालय में दे, हम सब आपके साथ में रहेंगे, हम सब मिलकर धारावी में एक नया इतिहास बनाएंगे, कमल जरूर खिलाएंगे। मुझे वो अटल जी की कविता याद है 1980 में, जो उन्होंने
रेस कोर्स में कहा था, भारत की पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये प्रतिज्ञा करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और धारावी में कमल खिलेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।